सलमान खान को दोबारा से डेथ थ्रेट्स मिलने शुरू हो गए। आपको बता दूं कि इस बार तो जो ये डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल हो रहा है, और यही नहीं, सिर्फ सलमान खान को ही नहीं बल्कि एक और फेमस या रैपर कह लो, सिंगर कह लो, या एक आर्टिस्ट कह लो, उनको भी धमकी दी गई है, और साथ ही साथ कन्फेस किया गया है कि सिद्धू मूसेवाला को भी उन्होंने ही मारा है। तो आखिर इस बार क्या बात उन्होंने बोली है और क्या क्या बातें, क्या क्या बयान दे रहे हैं, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूस और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदो। अगर देखा जाए तो इसके पहले सलमान खान को 3-4 बार धमकियां मिल चुकी हैं, उनको खुद गवर्नमेंट से सिक्योरिटी भी प्रोवाइडेड है, साथ ही साथ उनके कुछ जो पर्सनल सिक्योरिटीज़ हैं उनको भी रखा गया है, बॉडी गार्ड्स रखे गए, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं डर होता ही है। आपको बता दूं कि गैंगस्टर गोल्डी बरार, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला को भी मतलब शूट किया था, जब सिद्धू मूसेवाला कार को शूट किया था और वो सारा जो इंसिडेंट हुआ था, उन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी अगर किसी ने ली थी तो गोल्डी बरार ने ली थी। गोल्डी बरार ने धमकी दोबारा से दी है सलमान खान को। बीच में 1-2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था सलमान खान को धमकी देने की वजह से, लेकिन और साथ ही साथ उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी भी ली है, लेकिन तब भी भाई एक मोमेंट पर इतना बड़ा सुपरस्टार अगर कुछ होता है तो लाइफ इज़ एट रिस्क, बिकॉज गोल्डी बरार जिस तरीके से सारी चीज़ें बोल रहे हैं क्लियरली वो बहुत अलग जा सकता है या एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ अभी अभी जो एक खबर आ रही है वो ये है कि गोल्डी बरार ने एक मैसेज फॉरवर्ड किया है, या फिर कह लो कि वॉइस टेक्स फॉरवर्ड किया है, और ये कहा है कि जैसे सिद्धू मूसेवाले को मारा है वैसे गारंटी सलमान खान को भी मारेंगे ही मारेंगे। अब देखने वाली बात है कि ये थ्रेट के बाद पुलिस क्या एक्शन लेती है या फिर गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि अभी क्लियरली सलमान खान को सिक्योरिटी तो प्रोवाइड की गई है, लेकिन अभी ये जिस तरीके का थ्रेट है ऐसा लग रहा है क्लियरली कन्फर्म कर रहे हैं कि मारेंगे ही मारेंगे, और उन्हीं के साथ साथ अनिल सिंह को भी बीच में धमकियाँ दी गई थी, जिस पर अनिल सिंह ने जाकर केस भी किया था, कंप्लेंट भी फाइल की थी, और क्लियरली अनिल सिंह का तो ये कहना था कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ऐसा पहली बार हो रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर, और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूस के साथ। धन्यवाद।